हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा है। 2023 रियली लकी है, क्योंकि अभी भी वैकेंसी कंटिन्यू निकल रही है। और रिसेंटली जो आपने फॉर्म सबमिट किए थे WSC दिल्ली एंड गुवाहाटी के लिए, तो उसके भी कॉल लेटर आप लोगों को रिसीव हो गए होंगे। और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो अपने नज़दीकी स्पीड पोस्ट जाके चेक कर सकते हैं। और हो सकता है कि या तो फिर वो एलिजिबल टी क्राइटेरिया फुलफिल ना किए हों, इसलिए उनका कॉल लेटर नहीं आएगा, तो वो भी एक बार वापस चेक कर लें। और अगर आपको लगता है कि आप फुली एलिजिबल थे और आपका फॉर्म सही था तो अपने और अभी तक नहीं मिला है, तो नज़दीकी स्पीड पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो न्यूज़ ये है कि जो WSC दिल्ली है उसका 13 मार्च से 13 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है, और WSC गुवाहाटी के लिए 16 मार्च से स्टार्ट है। और चूंकि आपको पता ही है कि नंबर ऑफ वैकेंसी एंड नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थी, तो उस केस में क्या होगा कि एग्जाम नंबर ऑफ डेज ज़्यादा चलेंगे, तो उस हिसाब से देखना है। और इसी के साथ साथ हमारी तीन वैकेंसी और आई हुई हैं। तो एक तो IST वाराणसी में ही है, डेमोन्स्ट्रेटर बीविंग OBC के लिए, और एक डेमोन्स्ट्रेटर प्रोसेसिंग IST बरगढ़ में। और इसके साथ ही चार पोस्ट हैं तीन अलग अलग कैटेगरी में NIT जालंधर, तो वहाँ पे भी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एलिजिबल है, इवन BTech एंड डिप्लोमा बोथ, तो आप वो भी देख सकते हैं। और NIT भी एक बेटर जगह है, वो भी एक परमानेंट जॉब है। ओके, सो डोंट वेस्टिंग मच मोर टाइम, तो जस्ट मूव टू वेबसाइट फॉर चेकिंग। ओके, लेट्स गो। IST वाराणसी, दैट इज istvaranasi.edu.in. तो दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IST वाराणसी, एंड इन दिस ऑफिशियल पेज वी गो रिक्रूटमेंट टैब. इन रिक्रूटमेंट टैब रिक्रूटमेंट एट IST वाराणसी, तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो है डेमोन्स्ट्रेटर वीविंग 2500 लेवल 4 का जॉब है ये, और एक वैकेंसी है जो OBC के लिए रिजर्व है. तो इसका जो और क्राइटेरिया देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा फुल डिटेल में मिल जाएगा कि एज कितना होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और किस हिसाब से आपकी ड्यूटी रहेंगी. तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें भी सेम जैसा डेमोन्स्ट्रेटर में है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, और 3 इयर्स डिप्लोमा इन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इक्विवेलेंट कोर्सेज होने चाहिए, और प्लस 2 ईयर का आपका वीविंग में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो पूरा डिटेल्ड में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है. और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच किए गए हैं यहाँ पे, तो आप एप्लीकेशंस को फिल करके इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, और डिटेल से नीट एंड क्लीन क्लियर फिल करके अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ भेज सकते हैं. इसी प्रकार से आपको सेकेंड जॉब की हम बात करें तो वो मिल जाएगा हैंडलूम NIC.recruitment में, जो डेमोन्स्ट्रेटर प्रोसेसिंग है IST बर्गर का, वो यहाँ पे कुछ ही दिनों में अभी अपडेट हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा, क्लियर. और तीसरा हम बात करते हैं अगर NIT का, तो यहाँ पे हम चलते हैं NIT जालंधर. तो NIT जालंधर का ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गया, इस पे होगा रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट देखेंगे हम, तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट है. यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे हम क्लिक करेंगे, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करना है, सारी डिटेल दी हुई है. तो यहाँ पे देखेंगे जैसे इस नोटिफिकेशन पे तो पहले ही मिल जाता है मैं टेक्निकल असिस्टेंट जो लेवल 6 है, और इसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग के लिए निकला हुआ है. तो इसी पे देखेंगे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है अनरिजर्व है लेवल 6 के लिए. इसी प्रकार आगे चलेंगे तो इस पे सीनियर टेक्नीशियन लेवल 4, यहाँ पे भी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट दिया हुआ है. ओके, और इसी तरीके से देखेंगे तो टेक्नीशियन ये लेवल 3 का है, और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट दी हुई है, एक अनरिजर्व है और एक देखना होगा एक SC है. ओके, तो और इसी पे आप नीचे जाके इसका डिटेल्ड पढ़ सकते हो कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस पोस्ट के हिसाब से और कैसे आपको अप्लाई करना है. ये तो आपको लास्ट पेज पे दिया ही था. यहाँ पे हम आ जाएंगे रिक्रूटमेंट पे, तो
तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसका। जो पहले दो हैं आपके आईएसटी वाराणसी और आईएसटी बरगढ़ के लिए, वो ऑफलाइन है। आपको प्रिंट आउट करके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में पूरी डिटेल फिल करके और रिवेलेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अटैच, फोटोकॉपी अटैच करते हुए विद इन टाइम सेंड करना होगा, और यहाँ पे आप ऑनलाइन जाके फिल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।